झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। करीब एक महीने तक पाम तेल के निर्यात पर रोक लगाने के बाद इंडोनेशिया में इसकी खेती और उद्योग से जुड़े लोगों की हालत खराब है। तेल के भंडार भर पड़े हैं जिससे खेतों से माल नहीं निकल पा रहा है। ऐसे में अब इंडोनेशिया सरकार जल्द से ज़्यादा पाम ऑयल का निर्यात करने की कोशिश करने लगी है। व्यापार मंत्रालय के एक नियम के अनुसार इंडोनेशिया ने कम से कम 1 मिलियन टन कच्चे तेल की शिपिंग के उद्देश्य से एक निर्यात तरण योजना शुरू की है। ये योजना 31 जुलाई तक लागू है। ऑल इंडिया एडिबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने कहा है कि इससे भारतीय उपभोक्ताओं को फायदा होगा। वहीं फेडरेशन के अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने कहा है कि इस योजना के माध्यम से सरकार निर्यात की प्रक्रिया को गति देगी। अगर माल जल्दी आता है तो यहाँ कीमत कम हो जाएगी। वहीं इंडोनेशिया ने कच्चे पाम तेल के निर्यात को $575 प्रति टन से बढ़ाकर $488 करने के लिए निर्यात कर में कटौती की है। वहीं लेवी में भी कटौती की गई है। वहीं तैयार पड़ा कच्चा पाम तेल बिकेगा, फिर वहां के किसान के खेतों से कच्चा माल आएगा। इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल को पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि 23 मई को उन्हें ये फैसला वापस लेना पड़ा था। इंडोनेशिया पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं ठक्कर ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े पाम तेल उत्पादक इंडोनेशिया द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योजना शुरू करने के बाद गुरुवार को मलेशिया पाम तेल वायदा लगातार दूसरे सत्र में भी गिर गया था। वहीं वैश्विक बाजार में निर्यात में पिछड़ रहा इंडोनेशिया फिर से बाजार पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इंडोनेशिया की पाम तेल निर्यात नीति में बदलाव और निर्यात शुल्क में कमी की घोषणा के बाद मलेशिया के खाद्य तेल में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर ये स्थितियां भारत जैसे देशों के लिए फायदेमंद है जो खाद्य तेलों के आयात पर निर्भर है। भारत हर साल 70,000 करोड़ रुपए के खाद्य तेल का आयात करता है। दूसरी ओर भारत में मानसून की शुरुआत में देरी की संभावना है, इस वजह से स्वदेशी तेलों की कीमत मजबूत बनी हुई है। खासकर सरसों, मूंगफली, बिनौला के बाजार में सुधार हो रहा है, मांग भी बढ़ गई है। वहीं ठक्कर का कहना है कि अगर लंबे समय तक मानसून नहीं आया तो स्थिति में और सुधार होने की संभावना है। केंद्र सरकार द्वारा तिलहन फसलों का MSP बढ़ाने से स्थिति और मजबूत हुई है। सरकार ने मूँगफली के MSP में ₹300 प्रति क्विंटल और सूरजमुखी तेल के बीज में ₹380 से ज़्यादा प्रति क्विंटल, वहीं सोयाबीन में ₹350 और तिल में ₹523 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।